अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबको। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी वो है भिंडिया, मसाले वाली भिंडियाँ। तो इसके लिए हमें चाहिए भिंडिया, प्याज, तीन अदर टमाटर, पाँच से छः हरी मिर्चें, और यहाँ पे मैंने प्याज थोड़े से लगते हैं ऐड किए हैं, ये मैं बाद में इन्हें इसमें डालूँगी भिंडियों में। और लहसुन, ये एक पूरा लहसुन है। इसके अलावा हमें चाहिए 2 खाने के चम्मच नमक, 2 खाने के चम्मच लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच हल्दी, थोड़ी सी कलवंजी, और ये गरम मसाला है, ये 1 खाने का चम्मच गरम मसाला। अब सबसे पहले हम अपनी जो भिंडियाँ हैं वो फ्राई करने के लिए घी में डाल देंगे और इन्हें फ्राई करेंगे इनको। हम भिंडियो को फ्राई कर लेंगे, इन्हें तब तक फ्राई करेंगे जब तक इनका कलर ब्राउन नहीं हो जाता। जब इनका कलर ब्राउन हो जाएगा तब ये अपने आप ही, जब इनमें जो लेस होती है वो ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए भिंडियाँ जो है फ्राई हो चुकी हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। देखिए हमारी भिंडियाँ फ्राई हो चुकी हैं, अब हम इसी घी में तेल में अपने जो प्याज है वो फ्राई कर लेंगे। प्याज फ्राई में पहले मसाला बनाएंगे। तो देखिए हमने हमारी भिंडियाँ जो है वो फ्राई हो चुकी हैं, अब हम मसाला बनाने के लिए प्याज को फ्राई करेंगे, इनका हम अच्छी तरह ब्राउन। ये देखिए हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे और साथ में अदरक और लहसुन भी ऐड कर देंगे। अभी इन्हें थोड़ी देर फ्राई करेंगे और उसके बाद फिर इसमें हम अपने मसाले डालेंगे। हम इसमें अपने सारे मसाले ऐड कर देंगे जो जो मैंने आपको बताए थे, नमक 2 खाने के चम्मच नमक, 2 खाने के चम्मच सुर्ख मिर्च, 1 खाने के चम्मच हल्दी और 1 खाने का चम्मच गरम मसाला है और थोड़ी सी कलमंजी। ये सब चीज़ें हम इसमें से डाल देंगे और साथ ही जो सब्ज़ मिर्ची हमने काटी थी वो भी ऐड कर देंगे और पानी डाल के मसाला बनने तक इसे पकाएंगे। ये देखिए हमारा मसाला जो है वो रेडी हो गया, अब हम इसमें भिंडियाँ ऐड कर देंगे। और साथ ही हम प्याज भी, हमने जो बचा के रखे थे प्याज वो भी ऐड कर देंगे। अब इनको मिक्स करेंगे हल्के हाथों से ताकि जो हमारी भिंडियाँ हैं वो टूटे ना। ये देखिए हमारी भिंडियों की सब्ज़ी बन गई है, अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। खुशबू बहुत प्यारी आ रही है इनकी। इनको आप सूखी चपाती के साथ खाएं, बहुत मज़ा आएगा खाने का।